बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है डीएनए और सारे मुंबईकर्स ने इको फ्रेंडली गणपति का. हर चीज़ का ऑप्शन होता है, हमारे पास एक चॉइस है. आज पिछले 7 साल से हमारे घर में इको फ्रेंडली गणपति आ रहे हैं. लेड के पेंट्स नहीं हैं, टॉक्सिक पेंट्स नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं प्लास्टर ऑफ पैरिस वगैरह बहुत मुश्किल से बायोडिग्रेड ठीक से होती नहीं है. मरीन लाइफ को, प्राणियों को, समुद्र के और समुद्र को भी इसके अंदर जो पेंट्स वगैरह होते हैं, इतने हम लोग इतने प्यार से, इतने डिवोशन से जाते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि समुद्र को हम इससे काफ़ी पोल्यूट करते हैं, ये जो मटीरियल्स हैं इससे काफ़ी पोल्यूट करते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है. आई एम हैप्पी कि हम नए तरीके से रीडर्स से, रीडर्स के पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये इतना खूबसूरत आइडल बनाया 8 फुट का. इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी दैट इट्स अ कम्प्लीटली 100% इको फ्रेंडली आइडल. गणेश जी के समय तो सभी को मोदक बहुत पसंद होते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है मोदक, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि मोदक एक ऐसी चीज़ है जो एक खाओ तो उसके बाद 2, 3, 4 अपने आप शुरू हो जाता है. हमारे हर किसी के घर जाते हैं, दोस्तों के घर जाते हैं तो वहाँ पे पूरण पोली, मोदक वगैरह बनते ही हैं, तो खा खा के फिर थोड़ा सा डर लगता है कि मैं भी गणेश जी की तरह हो ना जाऊँ.